पियो यार, सिर्फ फोटो मत देखो, पढ़ो भी। ये लोग क्यों आ रहे हैं? कुछ तो बात है। मुझे क्या मतलब। इनसे पूछिए सर। ओए नमस्ते सर। अरे कौन है मदन और हरी? तीसरा नाम क्या बताया था? हाँ मुर्गेश, कहाँ मिलेंगे बोलो? उनको क्यों ढूंढ रहे हैं सर? उसका कारण बताओ तभी बोलोगे क्या? बताओ वो तीनों कहाँ है अभी, बताओ। वो बात ये है सर कि वो लोग पहले ही बेकार लड़के हैं, आप लोग उनको ढूंढने आए हैं। उन लोगों ने कोई गलती की है क्या सर? हाँ भाई, कल रात को एक लड़का और एक लड़की को मिलवाकर इस गांव से भगाए हैं। लड़की वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देकर हमारी जान खा रहे हैं, उसके लिए ही हम लोग यहाँ पर पूछताछ करने आए हैं। बताओ वो लोग कहाँ हैं? मैं जानता था सर, वो लोग वैसा ही कुछ करेंगे। वो तीनों अब तक तो यहीं पर थे सर। वो देखिए, वो चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे और उस चाय वाले के साथ कान में कुछ घुसुर पुसुर कर रहे थे सर। सच में सर, एक बात जानते हैं क्या? उस चाय वाले का और उनका कोई ना कोई संबंध तो है सर। अगर उससे अच्छे से पूछेंगे ना सर, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उन लोगों के साथ वो क्या बातें कर रहा है? कहीं अपनी दुकान के चाय की तारीफ तो नहीं कर रहा है? हाँ, यही बात होगी, यही बात होगी। ओए सर, पता चला है कि मदन, हरी और मुर्गेश जैसे गुंडों के साथ तेरी दोस्ती है। कहाँ मिलेंगे बोलो? आग लगा दिया कमीनों ने। देखिए सर इसकी हिम्मत, हम लोग पूछते जा रहे हैं और ये चुपचाप अपना काम कर रहा है। अरे सुन, तेरा उनके साथ जो संबंध है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। सीधे तरीके से सच सच बता, वरना ये डंडा बोलेगा। क्यों रे, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू रोड की तरफ देख रहा है, हमारे साथ खेल रहा है क्या? सर इतनी देर से आप लोग उन्हीं से बातें कर रहे थे ना, तो उन लोगों को छोड़ के मेरी जान क्यों खाने चले आए सर? ये क्या बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूँ सर, आप लोग जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं ना, वो तो वही लोग हैं सर। जाइए उन्हें पकड़िए सर, गांव के अंदर एक छोटी सी चाय की दुकान भी नहीं चलने देते हैं ये लोग। क्या सर, हमें हमारे ही बारे में बता दिया? हमारे ही गांव वाले हो ना, बिना बताए कैसे रहोगे? मैं हूँ मदन, ये हरी और ये मुर्गेश। पुलिस वालों के साथ ही तुम लोग मजाक करने लगे हो? ऐसे मार मारूंगा कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। क्या सर, आप भी, आप तो अब जान ही गए हो ना, हो सके तो हमें पकड़ लीजिए। सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही है। अरे अरे अभी मैं भाग नहीं सकता, रुक जा। आजा आजा, अरे कब से बोले जा रहा हूँ, रुक जा, रुक क्यों नहीं रहा है? मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है। अरे मैं कहाँ भाग रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ चल रहा हूँ। आजा आजा आजा, पकड़ सकते हो पकड़ लो। जब तक हम लोग हैं तू ठीक से दुकान नहीं चला पाएगा। बताओ बात क्या है, इस तरह भाग क्यों रहे हो? सर कब से दो गुंडे हम लोगों को भगा रहे हैं सर, अब हमको तो आपको ही बचाना है ना। लेकिन वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमें नहीं मालूम है सर, हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं सर, हमें कैसे भी बचा लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो अंदर बैठो, मैं देखता हूँ। इस तरह रोता क्यों है? मैं कह रहा हूँ ना कि चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठो। बहुत डर लग रहा है सर, हमें बचाएंगे ऐसा कसम दीजिए सर। घुमा के दूंगा, पुलिस वाले से कसम खिलाता है। अरे यार, अरे चुप रहो तुम लोग। अगर तुम्हें इसी में तसल्ली है तो मैं काली माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुम लोगों को मारने यहाँ कोई आया तो उनको मैं पकड़ कर दो चार लगा कर सलाखों के पीछे डाल दूंगा। हो गई तसल्ली, चलो अभी बैठ जाओ। अरे कैसे कैसे चले आते हैं। हाँ, तो तुम लोग यहाँ पर बैठे हो? रुको अभी बताता हूँ। अरे अरे और मारूंगा, रुक जाओ। पहले ये बताओ, तुम दोनों उन तीनों को पकड़ने के लिए सुबह ही गए थे, कहाँ हैं वो तीनों? ये तीनों वही हैं सर। ये क्या कह रहे हो? हाँ सर। क्यों रे,
तुम्हारे पीछे दो लोग पड़े थे ना? वो दोनों लोग यही तो हैं सर। हाँ, पर तू तो गुंडों की बात कर रहा था ना? यही दोनों हैं सर। क्यों रे, तुम में इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस वालों को गुंडा बता रहे हो और उन पर कंप्लेन कर रहे हो? तुम्हें तो अंदर डालना ही पड़ेगा। हालात में डाल दो, जल्दी डालो। ऐसे जल्दबाजी करके फैसला मत लीजिए। तू खुद को बहुत सयाना समझता है क्या? तो फिर काली माता की कसम खाकर अगर उसे तोड़ दोगे तो आप अंधे हो जाओगे सर। हाँ, अंधा हो जाऊंगा? ये क्या कह रहा है तू? काली माता है सर। इन्हें मेरे हवाले कर दीजिए सर, फिर देखिए मैं इनका क्या करता हूँ। मार मार कर यहीं पर इनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे यार, अभी तुम चुप रहो ना। उधर देखो, आ रहा है, कह रहा है लड़की को ढूंढ कर दो। क्या हमने उसे जेब में रखा है? देखिए सर, हमारे गांव की कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं? चुपचाप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। इन्हें मारेंगे, अच्छे से धुलाई करेंगे तो ही सच्चाई बताएंगे। अब क्या करूं? वो जो कह रहा है यही ठीक रहेगा। इन्हें मार भी नहीं सकता, काली माँ की कसम खाइए। सुनो, कंप्लेन लिखकर इन्हें लेकर जाओ। ये सब क्या हो रहा है सर? अरे तुम चुप रहो ना यार। अब बीच में ही बड़बड़ा। चलो, महानगर से ट्रांसफर करवा कर आया था, सोचा था यहाँ सुकून से रहूंगा, पर यहाँ के लोगों ने तो मुझे उंगली पे नचा दिया। पट्टू कोटी बोले तो ऐसे होता है क्या? हम भी तो नाचेंगे ना सर, हमारा डांस भी तो देखिए। अब गांव में त्योहार है तो दो चार लोग दिखेंगे नहीं क्या? वहाँ गाना लगाओ बे। इतनी जोर से क्यों हंस रहा है? गांव वालों को पता चला तो हमें मार डालेंगे। अबे आए बड़े मारने वाले, अबे पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए तो ये लोग क्या कर पाएंगे? कहाँ गए यार वो दोनों? लड़का लड़की दोनों ही नहीं दिख रहे। अरे अपना मदन गया है ना, वो लेकर के आ जाएगा, तुम चुपचाप रहो। आओ आओ। ए, चलो बैठो रे। ए, मेरी बात सुनो, थोड़े दिनों में सारी परेशानी दूर हो जाएगी, उसके बाद ही तुम लोग गांव में आ जाना, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। अरे सुन, तू जरा जल्दी जाके छोड़ जा। ए, कौन हो तुम लोग? ट्रांसफार्मर से लाइट कट करके क्या कर रहे हो यहाँ पर? ए, किसे लेकर जा रहे हो? ए, ए, सुनो, संभल गए? कहाँ जा रहे हो? ए, तुमने उन्हें कहाँ पकड़ा दिया? करने जा रहे हैं आप? इतने सीनियर आदमी, आशीर्वाद दीजिए, चिल्ला क्यों रहे हैं? जाइए जाइए। ए, तू सेलाटाई का लड़का है ना? समझ गया मैं, समझ गया। जब मैं दुबई में था तब से तुम्हारे बारे में जानता हूँ, बहुत कारनामे किए तुम लोगों ने। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, देख लेना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। एक एक को। अरे जो करना है कर लो, जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं यार, कुछ भी कर लो लेकिन सुसाइड मत करना। चल भाग। सूखी मच्छी सुनते ही यहाँ जाता है। टांगे तोड़कर रख दूंगी, इतनी मेहनत से सुखाती हूँ और आके इसे चुपचाप खाने के लिए चाहिए। जब देखो कौवे और बिल्ली पीछे पड़े रहते हैं। अरे शैला ताई, तुम यहाँ पर बैठी मच्छी सुखा रही हो और वहाँ पर तुम्हारे बेटे ने नरेश की लड़की और केदार के लड़के को भगा दिया है और इसीलिए गांव वालों ने पंचायत भी बैठा दी है, और तुझे इस बात का पता नहीं है क्या? कोई भी किसी को भगा कर ले जाए तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ जाते हैं, जैसे सारे गलत काम वही करता है। सबको ठीक कर दूंगी, आज तो सबकी खबर लेकर ही रहूंगी। जब देखो पंचायत में आकर खड़े हो जाते हो तुम लोग, इसके सिवा कोई काम नहीं है क्या? कितना समझाया तुम लोगों को मगर तुम लोग सुनो तब तो। लड़की लड़की को कहाँ भेजा है चुपचाप बता दो, नहीं तो अब बोल भी देंगे तो लोग माफी मांग लेंगे क्या? कुछ नहीं होने वाले इस पंचायत से। हाँ, ये करते हैं तो इनका कुछ नहीं, इसके लिए पंचायत, उसके लिए एक मुखिया और सुनने के लिए ये भीड़। अरे हट बे, जाने दे मुझे। चला गया, सिक्का क्या मार रही है? देखो तो। नमस्ते। क्या हो रहा है यहाँ पर? पंचायत बुलाकर मेरे बेटे को क्यों खड़ा किया है? मेरी बात सुनो ताई, तुम्हारा लड़का ठीक नहीं कर रहा है ना, तुम उसे कुछ बोलती हो ना हमें ही कुछ करने देती हो उसके खिलाफ। जब भी पंचायत बैठता है कोई ना कोई कारण बताकर तुम इनको छुड़ा लेती हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार आंखों से खुद देखा है, इस बार इन्हें सजा मिलकर रहेगी। किसने देखा अपनी आंखों से? सामने आकर बोले तो जरा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं अपनों के खिलाफ बोल सकता हूँ क्या? ये सब दुबई से आए भाई ने बताया। चार पैसे क्या कमा लिए, इतना घमंडी हो गया कि मेरे बेटे को कहीं पे भी खड़ा कर देगा? लड़के ने उन लोगों को भेजा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, मेरे बेटे ने किया? तूने अपनी आंखों से देखा है क्या? ठीक है,
इस भीड़ में तेरी बीवी कहाँ खड़ी है, जरा ढूंढ कर तो बता मुझे। सुनो शैला, मेरे पति से ऐसे बात की ना तो जुबान काट के रख दूंगी तुम्हारी। ऐसे ही बात करूंगी, चुप रहे, तू मुझे सिखाती है। मर्द को दुबई भेज कर यहाँ क्या रंगरलिया मनाती है बता दू सबका। पंचायत में पोल खोल दूंगी। सुनिए, घर में हजारों परेशानियां पड़ी हैं, वो सब छोड़कर आप यहाँ दूसरों का मामला सुलझा रहे हैं। चलिए देखा, आए बड़ी न्याय की बात करने वाले। खुद के बच्चों को तो ठीक से संभाल नहीं पाती और दुनिया की खबर ले रही है। कौन है हा? कौन बुढ़िया है जो खुसुर पुसुर कर रही है? हाँ अच्छा, तू है, तेरा बेटा कहाँ है पता है ना तुझे? हाँ चेन्नई में काम करता है। क्या काम करता है, पूरी दुनिया जानती है, तुझे ही नहीं पता है? औरत को लेकर आया ना वहाँ से, बहू बनाकर रख लिया ना तूने उसे, और तुम लोगों को पता है वो दूसरे की बीवी है और इसने बहू बना लिया। शैला, मेरी बहू के बारे में कुछ भी गलत कहा ना तो तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगी। बत्तीसी तोड़ेगी? हाँ तोड़ के दिखा, चला जा, आजा तोड़ के दिखा, दिखा दिखा। हाँ बोलूंगी, सबके बारे में बोलूंगी। क्या चुनना है तुझे, तू भी कुछ कम है क्या? हाँ तेरे घर में भी क्या क्या होता है सब पता है मुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं, सबके घर की पोल खोल के रख दूंगी। मुखिया जी देख रहे कितना बोलती है, अभी वो गांव में पश्चिम की ओर जा रही है, उसी तरफ उसका घर है। किसका घर है? उसी औरत का। अगर आपने अभी कुछ नहीं बोला तो मुश्किल में आ जाएंगे। रुको 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 रुको, अरे रुको, बोल रहा हूँ ना, आज के बाद इन लोगों के लिए पंचायत के लिए बोला ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं सबके। चलो 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 निकलो सब अपने घर से, चलो जाओ इधर से, जाओ। क्या भीड़ लगा रखी है, जाओ, देखो पीछे पड़े रहते हैं। ए क्या कर रहा है, चल तू चल, तू घर पे चल, मैं आता हूँ, चल जल्दी आ जा। जवान लड़की सुबह से खाया पिया नहीं है और ऐसे ही बैठी अच्छा लगता है क्या? जा जा घर में जा और कुछ खा ले। हाँ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खाना खाने के अलावा कुछ नहीं आता है। कब से कह रही हो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ पर ये बात किसी की समझ में नहीं आती। ठीक है तो अब तेरे बाप के पास जाकर बोलूँ क्या कि अपनी बच्ची को पढ़ाओ? तुम्हारी बेटी भी तो साथ में ही है। तेरे मामा को आ जाने दे, फिर बात करके देखेंगे। ए बुढ़िया क्या हुआ इसे, ऐसे मुंह क्यों लटकाई हुई है? तू ही पूछ लेना इससे। मैं कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती हूँ मामा, मेरे साथ जो पढ़ रही थी कविता उसने भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, माँ कह रही है वहाँ नहीं जाना है, आप ही उनसे बात कीजिए ना मामा। बस इतनी सी बात तो इसके लिए इतना दुखी है? ठीक है ठीक है, तू खाना खा ले, मैं देख लूंगा। मामा कल से तू कॉलेज जा रही है, ठीक है? सच में? ए, गाय पेट से चिल्ला रही है, उसे जाकर पानी दे। डॉक्टर सुई लगाने के लिए आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों साले साहब, उधर उसकी दाल नहीं गली तो यहाँ पर आ गई? क्या जीजाजी, ये पढ़ना चाहती है, अगर ये कॉलेज जाएगी तो इसमें बुरा क्या है? कोई जरूरत नहीं है, अगर स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा उसके बाद घर कब आएगी यही चिंता रहेगी। पता चला कि कोई लड़का पसंद आ गया और उसके साथ भाग गई, फिर क्या करेंगे बताओ तू? पहले तो लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, फिर लड़का देखकर भाग जाती हैं। मुझे नहीं चाहिए ये सब। सारी बच्चियां ऐसी नहीं होती हैं, और हमारी बच्ची तो बहुत समझदार है। कल अगर किसी पढ़े लिखे लड़के से इसकी शादी करवाएंगे और ये उसे नहीं समझ पाएगी तो हम किसे बोलेंगे? छोड़ो ना भैया। अरे तुम नहीं समझोगी, चुप रहो। जीजा जी कल से इसे कॉलेज में डाल दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तू जा बेटी। थैंक्स मामा। क्या रे रहना, तेरी गाड़ी बार बार गायब हो जाती है क्या? तुझे एक बात पता है क्या, वे जो गाड़ी गुम हो जाती है वो अपने आप मिल जाती है। चोरी करने वाले भी तुम ही लोग हैं, वापस ला के रखने वाला कोई दूसरा होगा क्या? दहेज में मिली हुई गाड़ी है, उसे चलाना ही नहीं है इसलिए तो खड़ा करके रखा हुआ है। चाहो तो गाड़ी को धक्का मार के ले जाओ, लेकिन मेरी बीवी को धक्का मार के मत ले जाना, समझ गए ना? पता नहीं ये मनुष्य क्यों आ गए। अबे धक्का मार के नहीं ले जाएंगे, तू पहले चाय बना। तुम दोनों से वो ठीक ही लगता है। ए राणा क्यों भाई ऐसे चिल्लाए? कौन सा गाना ये भाई? एफएम में बज रहा है भाई। ये सब नहीं चलेगा,
चल भाई कोई अच्छा गाना लगाते हैं। अच्छा गाना लगा यार। चीची। अरे अरे उसे ज्यादा मत घुमाओ यार, मैंने टेप लगा के उसे चिपकाया हुआ है, टूट जाएगा वो। अरे अरे धीरे से टूट जाएगा। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। अभी बजेगा सुन। हेलो हेलो, आपसे कह रही हूँ। आपसे ही कह रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? जाइए और उठकर वहां जाकर सिगरेट पीजिए। तूने तो धोखा दे दिया। अरे वो कहाँ मिलेगी? क्या सोच रहा है? बोलना क्या सोच रहा है? अरे वो बस में जो लड़की थी ना, बहुत सुंदर थी। वो किस गांव की होगी यही सोच रहा था मैं। अबे वो दिखने में खूबसूरत नहीं है, उसकी बातों में भी खूबसूरती है। जरा से भी अकल नहीं है क्या? एक ही शब्द में उसने तो मेरा कत्ल कर दिया। वो चाहे किसी भी गांव की हो, चाहे किसी की भी लड़की हो, उसे ढूंढ के निकालूंगा और मेरे प्यार का इजहार कर ही दूंगा। क्यों बे, देखते ही प्यार हो गया है? देखने के बाद ही प्यार आता है। लगता है वो बहुत सुंदर है। चुपचाप बैठ। अरे सुना, कल अपना री ओपन है ना, तो सोने का है जाके जल्दी। Thank you.
आज के पहली बार कॉलेज जा रहा है क्या? कपड़े बदल बदल के देख रहा है? ए, हीरो की जैसे शर्ट बदल बदल कर क्या देख रहा है? हाँ, बहुत हो गया, 9 बजे की बस है, निकल जाएगी, जा। मैं जाके आता हूँ। रुक बेटा। पढ़ाई के नाम से कॉलेज जाता है, पता नहीं उल्टे सीधे क्या काम करता रहता है। झुकना। भगवान इसकी रक्षा करना, इसे इतनी बुद्धि देना कि ये पढ़ाई कर सके। ये ले, ले खर्चे के लिए रख। जब बेटे पर इतना प्यार करती हो तो फिर गाली क्यों देती रहती हो मुझे? जाना पागल कहीं का। घूर रहा है कब से? मैं भी उसी को देख रही हूँ, मुझे पता है। उस दिन मैंने इसे भला बुरा कहा था तो ये बस में भी आ गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बे, इसे क्या हुआ? अबे चुब्बे, मैं भी तो तेरे साथ ही खड़ा हूँ। ए, उतर कर मरना, तेरे अकेले के लिए बस चला रहा है क्या? मैं बोले जा रहा हूँ, तू सुन रहा है क्या? ए, आंखें खोलना यार। अरे टाइम हो गया, अगली ट्रिप में भी जाना है, बोलकर उतारो ना इसे। ए भाई, ए भाई, अबे यार वो लड़की कहाँ चली गई? कौन सी लड़की बे? ए, अरे उस दिन जिसका पीछा कर रहा था ना, वही लड़की थी यार। ए? वो लड़की इस बस में आई थी क्या? हाँ तो और क्या, मैंने तो देखा ही नहीं। ओ भाई, इसकी सारी लड़कियां कॉलेज में गई हैं, वो भी यही किसी कॉलेज में होगी। चल देखते हैं। स्कूल से किया है। नाम तो बहुत अच्छा है जी। ए, यहाँ क्या खड़े हो? चलो जाओ अपने क्लास में जाओ। हाँ।
ए मदन खड़े हो जाओ। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और तुम यहां वहां देख रहे हो। ठीक है चलो बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। दांत क्यों दिखा रहे हो जवाब दो। सर मैं खूबसूरत दिखता हूं क्या? पिछले 2 सालों तक इसने यही किया और अब 3रे साल में भी यही करने वाला है। से चाहते क्या हैं? इतने दिनों से क्यों मेरा पीछा किए जा रहे हैं? हेलो, आपसे ही पूछ रही हूँ। मुझे ऐसे देखकर हंसते क्यों रहते हैं? पागल कहीं के? हेलो, यूं ही नहीं कहना चाहिए। आप भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत हो। कमेटी बनाने के लिए इलेक्शन का दिन तय हो चुका है। 5 सालों से जो मुखिया हैं अपने मनियार भाई, उन्हीं की मदद से हम सब की पानी की समस्या दूर हुई है। आज हम लोग अपने खेतों में साल में 3 तरह की फसलें उगाते हैं, ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। मनियार भाई फिर से मुखिया बने, ये मेरी राय। आप लोग क्या कहते हैं? सही है यार, लोगों के सामने सारी बातें करके लोगों के भीड़ इकट्ठा करके नाटक कर रहा है क्या? अच्छा ये पद पाने के लिए इन्होंने कितना खर्चा किया है? मैं उससे ज्यादा देता हूँ ना, तेरी भी तो शादी करने लायक घर में बेटी है ना। क्या ये सब बड़े छोटे का लिहाज नहीं है क्या? यहाँ पे बातचीत करने आए हो या फिर लफड़ा करने आए हो तुम? रुको यार, बात कर रहा हूँ ना। अच्छा चलो एक बात बताओ, गांव में यही एक मर्द का बच्चा है जो तुम लोग इसके आगे पीछे घूमते रहते हो। मैं भी यही हूँ, मुझ में कुछ कमी है क्या या फिर पैसों की कमी है? गांव की हर छोटी बड़ी बात को अगर यही संभालेगा तो फिर हम क्या करेंगे? एक बात साफ साफ बता देता हूँ, आने वाले इलेक्शन में मैं खड़ा होने वाला हूँ। तुम है तो मुकाबला करना। जैसी दाल टूटी मेरा दिल भी टूट गया, जैसी दाल टूटी मेरा दिल। दादी हा? वो गूंगा कहाँ है? अंदर ही है, जाकर देख ले। मेरा दिल भी टूट गया। कॉलेज बहुत अच्छा है। वो सब छोड़ो, उस दिन मैंने एक लड़की को डांटा था ना, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वो भी उसी कॉलेज में है। गड़बड़ कुछ नहीं की है लेकिन मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तुम्हें पता है आज उसने क्या किया? आप भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत हो। अभी अभी तो कॉलेज से आई है और इससे बातें करने लगे। हाथ मुंह धो के खाना खाने आ जा। ठीक है मैं बाद में आकर बताती हूँ। 4 आदमी वहाँ जमा थे, एक बड़े आदमी के बारे में ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? मणियार को तू जानता है ना, वो अपना रिश्तेदार है और रिश्तेदारी में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, ये शर्म की बात है। वो रिश्ते में मामा है यही सोच के उसे अभी तक इज्जत दे रहा था। मेरे घर का खाना खाके उसकी बात करने में शर्म नहीं आती है? चलो उठ जाओ, बोला ना उठ जाओ। जब तुझे ठोकर लगेगी तभी अकल आएगी, तू सुधर नहीं सकता, जा बे। ए दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे जीजा के बारे में तूने भला बुरा कहा, मुझे शक है कि तू मर्द है। चल लूंगी उतार, चल उतार। ए! बोलो ना उतार, चल उतार। ए! ए!
नहीं मत मारो। नहीं मैं नहीं था तो तू जीजा जी के सामने रोत दिखा रहा था। चल मुझे दिखा। माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने अपने इस जीजा के लिए उन लोगों से झगड़ा किया। तुम पर बहुत खुश हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हो जीजा जी? तुम्हें कोई कुछ करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा? जीजा जी, अगर तुम्हारा बेटा होता और उसके सामने तुम्हारी कोई बेइज्जती करता तो वो छोड़ देता? अरे मैं भी बेटा जैसा ही हूं ना। ले पी ले। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है। वो जिनके सामने बोल रहा था वही दो थप्पड़ देना चाहिए था, लेकिन आप तो चुप रह गए। जिसके घर में लड़की पैदा हुई हो वो बाहर रौब से नहीं रह सकता। तैश में आने से हम बदनाम हो सकते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे जीजा को कोई गलत नहीं बोल सकता। अरे तुम राजा के जैसा जियो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी तक हुआ नहीं। चलो जल्दी करो और खाना खाने आ जाओ। बच्ची खाकर सो गई क्या? वो तो कब से खाना खाकर सो गई। आप लोग भी आ जाइए नीचे। तुम चलो मैं आता हूँ। अरे यार अब तक बस क्यों नहीं आई यार? अब तक तो आ जानी चाहिए थी। ए 9 बजे की बस 9 बजे तक आती है भाई। अभी 8:30 बजे हैं। बार बार बस आएगी पूछेगा तो बस आ जाएगी क्या? अगर तुझे बहुत जल्दी है तो एक नई बस खरीद लेना खुद के लिए। अभी हरी हम लोग सब फाइनल ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं यार। हमारे जूनियर्स की नजर में हमारा ओहदा बढ़ना चाहिए पता है। इसलिए मैं टाइम को बहुत करेक्टली फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा बेटा हमें ज्ञान दे रहा है। तू कब से पंचुअल हो गया बे? हाँ देखो आज बस नहीं आएगी, वहाँ नदी में गिर गई है। अपने अपने घर चले जाओ। जाओ क्या कह रहे हो? सच बोल रहे हो क्या? हाँ सच है भाई। तालाब में और कोई देख नहीं रहा है, सबको ऊपर निकाल लिया है। हाँ, और कोई दिक्कत में तो नहीं है ना? जरा देखो।
फिर क्या हुआ भाई? सुबह कॉलेज में तो सबको बता दिया, बस अब यही बाकी था। देखो अब इसको भी कहानी सुना रहा है अपनी। पानी में कूद कर इधर उधर ढूंढ कर बाहर आकर खड़ा रहकर मैं देख रहा था। क्या दीदी, चाय चाहिए क्या? ये तो गया, अब तू अर्ली बता, अब क्या सोच रहा आगे चले? अरे बैठा रहे यार, देखते हैं क्या होता है। नहीं, वो पूछ रहा था कि क्या हुआ, इसलिए उसको मैं बता रहा था। सूखा मच्छी ले लो। अरे ओ मच्छी वाली, जरा इधर आ। तो हाँ? आती हूँ आती हूँ। कौन कौन सी सूखी मच्छी है? कौन सा सूखा मच्छी चाहिए? झींगा है, बांगड़ा है, सुरमई है, कौन सी मच्छी चाहिए बोलो? सारी मच्छी है बोलो। क्या दूँ? ठीक है बांगड़ा मच्छी दिखाओ। अरे क्या धूप है, क्या धूप है, गला सूख जाता है। थोड़ा पानी पीने को देंगी? पूर्णिमा, एक लोटे में पानी लेकर आना तू। ये क्या सोने की तरह तोल रही हो, एक मच्छी डालो ज्यादा। हाँ, सबको एक एक मच्छी ज्यादा देती रहूंगी ना तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, कमाऊंगी क्या। पकड़ो लो। ये क्या आपकी बेटी है? हाँ मेरी ही बेटी है। क्या करती है? एक कॉलेज में पढ़ती है। ऐसा क्या? तुम रुको मैं पैसे लेकर आती हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो बेटी? दीना राजप्पा कॉलेज में पढ़ती हूँ। उस कॉलेज में पढ़ती हो, उसमें मेरा बेटा भी पढ़ता है, मदन नाम है उसका। मदन आपका बेटा है? हाँ, जानती हो उसे? वो कॉलेज बराबर आता है क्या, पढ़ता है कि नहीं? जानती हो गांव में ना सब उससे बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए उसे कॉलेज भेज देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अच्छा लड़का है, अच्छे से पढ़ाई करता है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ, उसके बाप का सपना था कि वो पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करके पैसे कमाए, लेकिन पढ़ाई पे तो ध्यान ही नहीं है। जब देखो गलत काम करता है, और गाँव वालों की बोलियाँ तो मुझे ही सुननी पड़ती है। चलो ये लो मच्छी के पैसे। चलती हूँ बेटा। हाँ सूखा मच्छी, सूखा मच्छी, सूखा मच्छी ले लो। पूरा गांव सुन रहा है, इतनी जोर से आवाज रखता है और मजे करता है। ए मदन, ए इतनी जल्दी सो गया क्या? खाना खाया कि नहीं? ए खाना खाया? हाँ खा लिया, तुम भी खा के सो जाओ। क्या खाया क्या पता। ठीक है तेरे लिए मिठाई लाई हूँ, चल खा ले। सब सुबह खा लूंगा, अभी बकबक मत करो, सोने दो। अरे तुझे पसंद है इसलिए लेकर आई हूँ, सो जाएगा क्या? ए बाजू के गांव में सूखा मच्छी बेचने के लिए गई थी, वहां तेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की को देखा, उसका नाम क्या था? आरती या पूर्णिमा। क्यों रे इतनी देर से चिल्ला रही थी, तब तो वहां पड़ा रहा, और जैसे ही लड़की की बात छेड़ी उठकर आ गया। हा? उसके लिए थोड़ी आकर खड़ा हो गया, तुमने कहा ना कि मिठाई लाई हो, उसके लिए आया हूँ। ये ले पकड़। अच्छा क्या बोला उस लड़की ने? वही तो सोच रही हूँ, चूहा क्यों भागा भागा आ गया यहाँ। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे के बारे में अगर कोई कुछ गलत बोल देना तो तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए। वो कुछ गलत बोलती तो यकीन भी कर लेती ना, ऐसे क्यों देख रहा है? वही सच है,
काली जबान वाला पता नहीं क्या करता है। उसने तो कहा कि अच्छी पढ़ाई करता है, अब वो तो भगवान ही जाने क्या करेगा क्या नहीं। जाओ। पूर्णिमा, मदन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर रहे हो क्या? तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। मेरा वेट कर रहे हो? किस लिए? वो पूर्णिमा, हम दोनों जो मिलते हैं ना, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कह रहे हो? अरे अरे तुम डरो मत। जैसा उन लोगों को लगा उसी तरह तुम्हें भी ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, यही बोलने के लिए आया था। ना तुम्हारे दिल में कुछ है और ना ही मेरे दिल में। कहने वालों को कहने दो ना, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी इन बातों पर ध्यान मत दो। बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं मदन, मुझे क्यों बुरा लगेगा? सच कह रही हो? बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूर्णिमा। जिस दिन से तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तो तभी बता देता, लेकिन तुम्हें भी तो पसंद आना चाहिए ना, इसलिए मैंने इतना वेट किया और आज बता दिया। ए, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मेरे दिल की बात मैंने कह दी, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो छोड़ दो, चलता हूँ। तुम यहाँ पर आए, अपनी बात बताई और अब जा रहे हो, मुझे बस में चढ़ा कर जाओ। इसलिए तुमने मेरा हाथ पकड़ा? सच बताओ ना पूर्णिमा, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? पसंद हो ना, बहुत पसंद हो। तुम्हारे साथ बातें करना घूमना भी पसंद है, लेकिन प्यार वो नहीं हो सकता। गाँव में तो केकड़े जैसे दिखने वाले इंसानों की भी शादी हो जाती है और वो सर उठा के चलते हैं। हम ही एक हैं, सोचा था अच्छी लड़की देख के तेरी शादी करवाऊंगी, पर क्या। फालतू बकवास मत कर। हाँ मैं बोलूंगी तो बकवास ही लगेगा ना, सबकी शादी हो रही है, एक तू ही रह गया है। सारी औरतें सुनाती है और मैं सुनती रहती हूँ। तो तू चाहती है मैं शादी कर लूँ? कल ही लड़के देख कर लूंगा। ऐसे कह रहा है जैसे तू बुलाएगा और सारी लड़कियां आ जाएंगी। जहाँ रिश्ता लेकर जाती हूँ पता है वो लोग क्या कहते हैं, तुझसे शादी करने से अच्छा उनका गला दबाकर मार दे। इसमें अब उनकी क्या गलती है? तू ही तो सीधा नहीं है, तेरे जीजा जी के साथ मिलकर इसको मारेगा उसको मारेगा, मारपीट करता रहेगा। ये क्या बोल रहा है तू यार, तेरे बगल में ही लड़की है और तू लड़की देखने के लिए इधर उधर भटक रहा है। क्या बोल रहा है तू? तेरे जीजा की बेटी पूर्णिमा है ना, उससे शादी कर लेना। पागल हो गया तू? उसे बचपन से ही गोद में उठाकर पाला है और उससे शादी कर लूं? थू। गांव में जो होता है वो इसने बताया क्या? बच्चियों को शादी करने के लिए ही पालते हैं ना, ये बात तुझे समझनी चाहिए। अरे देख भाई, पूर्णिमा कौन है? तेरे जीजा की बेटी है ना, तेरे जीजा के लिए तूने कितना कुछ किया है, इसके लिए वो तुझे अपनी बेटी देगा कि नहीं? जाकर उससे बात तो कर। थोड़ा काम की बात है, लोगों को भेजकर पूछते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में सोचना जरूर। चल भाई निकलते हैं। ऐसे कह रहा है जैसे तू बुलाएगा और सारी लड़कियां आ जाएंगी। जहाँ रिश्ता लेकर जाती हूँ पता है वो लोग क्या कहते हैं, तुझसे शादी करने से अच्छा उनका गला दबाकर मार दे।
क्या हुआ साले साहब, तुम इस वक्त यहां? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अंदर आकर बात करो। नहीं, बात करने के बाद जाएंगे। ठीक है, यहीं बताओ बात क्या है। हमेशा साले साले बोलते रहते हो, कभी मेरी शादी के बारे में भी सोचा है? सिर्फ इतना ही ना, कल ही लड़की देख लेते। क्यों, अपनी बेटी से नहीं करा सकते? लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। क्या जीजा, मुझे कोई लड़की नहीं दे रहा, एक भी कमीना नहीं दे रहा। क्या बोलते हैं पता है, मैं सबके साथ मारपीट करते रहता हूँ। किसके लिए करता हूँ? अरे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए करता हूँ। फिर इससे शादी करने में क्या गलत है? ए, क्या हुआ है तुझे? तू अभी यहाँ पी कर आया, बाद में बात करते हैं। क्या पीकर बोल रहा हूँ, मैं कोई शराबी हो क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम इसके साथ शादी करवाओगे कि नहीं? और अगर ना कहूँ तो? उठा कर ले जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों रे नीच, तू मुझसे पैसे मांगता था तो मैं तुझे हंस कर दे देता था। तूने मेरी बेटी को समझा क्या है? अरे मेरी जान है वो, मेरे सामने ही मेरी बेटी को उठाने की बात कर रहा है। इससे तो मैं सुनिए, क्या हुआ है? सब ठीक है? सब ठीक है? देखिए आप, क्योंकि आप अपनी छोड़ दीजिए, उसे वो नशे में है। तू बेटी अंदर चल। तुम दोनों ने मिलके गांव में मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, मुझे इसी वक्त का तो इंतजार था। बताओ मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? पूर्णिमा, तुमने कहा था कि तुम्हारी बातें, तुम्हारी फ्रेंडशिप मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये प्यार व्यार अच्छा नहीं लगता है। ये सोच सोच कर मैं रात भर सो नहीं पाया। पूर्णिमा, क्या हुआ? पूर्णिमा, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? किसी के खूबसूरत होने से ही प्यार हो जाता है? देखो मदन, ये प्यार व्यार के बारे में छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है? पूरे गांव में घूम घूम कर मछलियाँ बेचती हैं वो, कितनी तकलीफें झेलती हैं। तो फिर क्या, गरीब लोगों को प्यार करने का हक नहीं होता है क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ गए ना? क्यों पूर्णिमा? मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं है, ये होना नामुमकिन है, और जो हो नहीं सकता उस बारे में सोचना पागलपन है, इसलिए कह रही हूँ तो मेरा पीछा छोड़ दो। देखो मैं प्यार करता हूँ ना, तो वो तुमसे, तुम्हारे पापा से नहीं। उन्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पूर्णिमा, मैं सच कहता हूँ, गुस्से में नहीं, तुम भी मेरी तरह ही खूबसूरत लगती हो। पूर्णिमा, क्या है माँ? उस गांव में तू किसी लड़के से बात कर रही थी ना, कौन है वो लड़का? वो मेरे साथ पढ़ता है माँ। तेरे साथ पढ़ता है तो कॉलेज में बात करनी चाहिए ना, गांव के बाहर बात करने की क्या जरूरत है? लोग क्या बातें करेंगे पता है ना, अब से मत करना। ठीक है माँ। पूर्णिमा के दिल में तो कुछ नहीं लग रहा, पर अगर लड़के के मन में कुछ हो तो। एक चाय देना। हाँ। अच्छा भाई, हाँ? कंप्यूटर क्लास से सारी लड़कियां आ गई क्या? हाँ, क्या भाई, मैं अपनी दुकान संभालूं या आने जाने वाली लड़कियों को देखूं? मेरा तो धंधा ही चौपट कर दोगे। बस दुकान को ही देखने से कुछ नहीं होता है, आजू बाजू में क्या हो रहा है ये सब जानकारी रखना जरूरी है, तभी तो हम जैसे पूछने वालों को आप बता पाओगे और तभी तो धंधा पिकअप पकड़ेगा। अपना धंधा सही चल रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। भाई ये कौन सा गाँव है? मुझसे पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ। रामंगलम भाई, क्यों क्या बात है? उस गांव का लड़का हमारे गांव की लड़की के साथ घूमकर उसे परेशान कर रहा है, इसलिए उसके बारे में जानने आए हैं। कौन है भाई, गांव कौन सा है उसका? सोलंगरी गांव के मणियार की बेटी पूर्णिमा। क्यों भाई, आदमी को बराबर ढूंढ कर आकर पूछ रहे हो, सीधे ही पूछना चाहिए था ना, घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हो? ठीक से सुन, दोबारा उस लड़की के पीछे घुमाना तो हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे,
वो बोलने वाले तुम कौन होते हो? उस लड़की के साथ मैं प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं ऐसे उसको छोड़ नहीं सकता। ए सुन, लेकिन उस लड़की को तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तो उसके रास्ते में फिर से मत आना। उस लड़की ने मेरे सामने आकर मुझसे खुद बोला क्या? नहीं ना भाई, चलो जाओ ना यहाँ से। क्यों खेल रहे हो क्या? बोला तो समझ में नहीं आया? मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ भाई, जाओ ना। पूर्णिमा, अरे वहां देख रहे हो? अरे अरे तू भी नहीं समझती क्या? जाओ जाओ जल्दी, जाओ जाओ। क्या हो गया? किसने मारा तुझे? हाँ पूर्णिमा मुझसे प्यार करती है। हे हे, क्या बोल रही है? हे चल 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 हॉस्पिटल, चल हॉस्पिटल, चल चल। अरे छोड़, अरे पूर्णिमा मुझसे प्यार करती है ऐसा उसने बोल दिया। चुप हो जा पूर्णिमा, पहले तो मैं सोचा ठीक है, हो गया ना, चुप हो जा तू। तेरा नाम क्या है? हरी। और तेरा नाम? मुर्गेश। हमारा नाम पूछ रहा है, लेकिन आप कौन है? मदन कौन है? क्यों पूछ रहा है भाई? भाई वो बात वो नहीं है भाई, गांव में दो तीन हरी है ना, अब उसमें आप पता नहीं किसको पूछ रहे हैं, इसलिए। सोलंगराई के कॉलेज में पढ़ने वाली पूर्णिमा से इस गांव के मदन ने कुछ मचमच किया था, मुझे उससे मिलना है। अरे यार, ये तो अपनी पूर्णिमा सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, हम भी सिस्टर के साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कौन है सर? पूर्णिमा का मामा। अच्छा भाई, भाई 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 भाई, हमारी बच्ची के साथ जिसने बदतमीजी की थी ना, आपका साला उसे बांध के मार रहा है, यही बताने के लिए आया था भाई। ठीक है तू जा। तू अपने भाई को जरा समझा दे कि वो इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाए। सही कहा,
पर मेरी बात कहाँ सुनता है। अब तुम ही समझाओ उसे। तो क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता, अब किस तरह से बताऊँ। पूर्णिमा। हाँ पापा। अपने मामा से जाकर बोल अब उस लड़के को छोड़ दे। ठीक है पापा। तू भी साथ में जा। मानता हूं कि उस दिन रात में वो पीकर घर पर आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने अपने दिल में ऐसी कोई बात रखी होगी। मुझे उसके बारे में अच्छी तरह पता है, उसने जल्दबाजी में ऐसी बातें की होंगी। पूर्णिमा से और मिलेगा, पूर्णिमा से और मिलेगा, ऐसा बोल के मुझे बहुत मारा। अब पूर्णिमा तो क्या अमावस्या भी नहीं देखूंगा। क्यों बे नालायक, भैंसे जैसी तो शक्ल है तेरी, मेरी पोती को देखा तो हाथ तोड़ दूंगी। ये बुढ़िया तो बहुत खड़ूस लग रही है। हे भगवान, हे माँ। ए क्या बे, तू उस बूढ़ी माँ को ऐसे देख रहा है तो फिर मेरे दीदी को कैसे देखा होगा। रुक अभी मजा चखाता हूँ तुझे। नहीं 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 नहीं, अरे क्या कर रहा, क्या कर रहा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इस गांव के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत खतरनाक है, यहाँ रहना मुश्किल है। ये कमीना ठूस ठूस के खा रहा है, खाने के बाद मुझे जरूर मारेगा। माँ तेरा बाप कहाँ है और तू यहाँ क्यों आई है। उसे कुछ मत कीजिएगा मामा, उसे छोड़ दीजिए, पहले ही वो बहुत मार खा चुका है, आप उसे मत मारिए प्लीज। दीदी वहाँ देखो ना, ऐसे लटक रहा है जैसे उसे बिजली के खंभे से शॉक लग गया हो। कौन है ये, मदन कहाँ है। क्या कह रही है तू, ये तेरे पीछे नहीं पड़ा था क्या। मैं इसे नहीं जानती हूँ दादी। क्या पता क्या कहती है। उसे नीचे उतार। मार मार के कचूमर निकाल दिया, कैसे जाऊंगा मैं। तेरा नाम क्या है। यही पूछने के लिए इतनी देर से मार रहा था क्या। मेरा नाम रैना। तुझे मैं मदन समझ रहा था। अब जा। अरे बाप रे। भैया संभाल कर जाइएगा। तुम कौन हो बहन। मैं पूर्णिमा हूँ। तो तुम ही वो मोहतरमा हो, बाप रे, जिसकी वजह से मेरी कुटाई हुई। इस बात को अब यहीं खत्म कीजिए मामा, मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे से ऐसा मत कीजिएगा। चलती हूँ मामा, चल। कॉलेज जाता है पढ़ाई करने के, लेकिन पढ़ाई नहीं करता, जब देखो झगड़ा करता है। इसके बाप के साथ मैं भी चली जाती तो बहुत अच्छा होता, किस किस को संभालू, जीना मुश्किल हो गया है मेरा, समझता ही नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, जीना ही नहीं है मुझे, मौत ही नहीं आती मुझे। अरे अब ऐसे रोने धोने से क्या फायदा, आजकल के लड़के लड़कियों के पीछे ऐसे ही भागते रहते हैं, और मदन भी वैसा ही है, पढ़ने वाली जगह में लड़कों के साथ झगड़ा होता रहता है। इसके लिए क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं, अब भगवान ही कुछ कर सकता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। ए, क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ा है, क्या पागलों की तरह आसमान को देखकर हंस रहा है। माँ की बात सुनाई नहीं देती क्या, तेरे बारे में अगर माँ को पता चला ना, दो टुकड़े कर देगी तेरे, सुधर जाबे। अबे यार पूर्णिमा मुझसे प्यार करती है ऐसा बोल दिया। अबे तेरे प्यार के चक्कर में बेचारा वो मोटा गया था, पता है क्या हुआ उसका, इसे तो किसी की फिक्र है नहीं, रोमांस के मूड में है ये बेटा। अरे भाई सच में मारा है क्या उन लोगों ने, उठाकर अच्छे से पटका है बे। मुझे मार खिलवा के गाना सुन रहे हैं कमीने।
पूर्णिमा, कॉलेज आ गया, उतर जाइए। पूर्णिमा, 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 अरे ये कॉलेज है या कुछ और? मैं खूबसूरत दिखता हूं सर? लगता है ये लड़का नहीं सुधरेगा। क्या हुआ है? खाना भी नहीं खा रही है और बाहर भी नहीं आ रही है। देखते देखते सब बदल गया है। ये सब नहीं चलेगा। रुक जा, तेरे पापा से ही बात करके देखना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए, तू जा। कह रही हूँ ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। मैं नहीं चाहती थी कि वो और मार खाए, इसलिए प्यार करती हूँ ऐसा कह दिया। और वो उसी बात को सच मानकर मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। मैं भी जितना हो सके उसे नजरअंदाज करती हूँ, लेकिन वो कुछ गलत ना कर बैठे इस बात का डर है। प्यार करती हूँ। हे, रुको रुको, वो मुझे पटक पटक कर मार रहे थे, तब तुमने मैं प्यार करती हूँ ऐसा बोला था। वो जल्दबाजी में बोला था, यही बोलने के लिए आई हो, और मुझे पता है कि तुम यही कहोगी। सही कह रहा हूँ ना? नहीं मदन, अब ओ, तुम्हारी माँ तुम्हें कितना परेशानी उठाकर पढ़ा रही है, तो मैं तुम्हारे लिए जरूरी क्यों हूँ? नहीं, जल्दबाजी में या सोच समझ कर बोला, लेकिन बोला ना, वो वैसे ही मेरे दिल में है, उसे वैसे ही रहने दो। वो छोड़कर माँ को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मदन, इसके बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, खुश हो ना?
झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुस्से में तुम भी मेरी ही तरह खूबसूरत लगते हो। इसका नाम क्या रखेंगे? मदन। कितना भी मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, फिर भी मणियार बिना सोचे अपने साले की माँ के क्रियाक्रम में शामिल होने आ गया। अब क्या होगा? नानी, नानी। ऐसे परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। टाइम हो गया, आगे का काम करना है। अबे, हाँ? ये तो पकड़। हाँ, ठीक है। माँ, माँ, क्या सबको बाहर खाना खिलाना छोड़कर यहाँ आकर बैठी हो? नहीं खाना। हे माँ, अरे रो क्यों रही हो? मेरा मन ठीक नहीं है। ओ, तो तुम्हें तुम्हारा पति याद आ गया? ऐसा नहीं है, तेरा बाप मेरे सपने में आया था। ये तो खुशी की बात है ना माँ, तो इसके लिए मुंह क्यों लटका कर बैठी हो? ठीक है, सपने में जो आया था उसने मेरे बारे में कुछ पूछा या तुम्हारी आंखों में आंसू देकर ऐसे ही चला गया? क्या बेटा, तू भी, तेरा बाप कह रहा था मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, उसे संभालना। ए, तू अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानेगा ना? माँ, उन्होंने तो एकदम सही बोला है, लेकिन तुम ही मुझे गाली देती रहती हो। अगर मैं गुस्से में कहीं भाग गया ना, शायद इसलिए ऐसा बोला होगा। वैसे मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। ठीक है चलो चलते हैं। कहाँ जाएगा बेटा? अरे बाहर चलते हैं माँ, आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं बताऊंगा तो ही तुम मेरे साथ चलोगी क्या? ऐसी बात नहीं है, घर में किसी को पता नहीं है और मैं ऐसे कभी बाहर नहीं गई हूँ। किसी ने हमें देख लिया तो इसी बात का डर लग रहा है। अरे जाकर जल्दी आ जाएंगे, तुम डरो मत। ए बीबी, होने वाले पति के साथ ही जा रही है, कंधे पर सर रख सकती है ना।
अरे बगल में आके बैठ जाओ ना। नहीं मदन, देखो ना यहाँ कितने सारे लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। ठीक है। नाराज हो गए? ए, देखो मैं आज खुद खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, तुम खाओगे? उसे इंसान खा सकता है क्या? मैं ही खा लेती हूँ। कितनी टेस्टी बनी है। अरे ये क्या? एक बात के लिए ना बोल दिया तो बिना पूछे ही खाओगी क्या? कौन हो तुम और तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? अरे तेरी तो, मुझसे ही पूछ रही हो मैं कौन हूँ? मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ मुझसे बात मत करो। करूंगा बात, क्या करोगी तुम? अपने पति को बता दूंगी। मरते दम तक तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना है। ए, क्या हुआ, इमोशनल हो गए? मरते दम तक साथ दूंगी, कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। पूर्णिमा, पापा क्या हुआ, इतनी देर से आ रही हो? नहीं पापा, वो बात ये है कि कॉलेज में। अरे क्या जीजा जी, अरे कॉलेज में पढ़ती है, कुछ स्पेशल क्लास होगा, तू जा यहाँ से, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। ठीक है मामा। ठीक है तू अंदर जा। ए हरी, उसके मामा के बारे में अच्छे से जानता है ना? इन दोनों को उसने साथ में देख लिया है, अब पता नहीं वो क्या करेगा यार। उसके लिए फिक्र करेगा तो सब सही हो जाएगा क्या? कभी ना कभी तो मालूम पड़ना ही था ना, आज पता चल गया, ऐसा ही समझ ले। दो दिन के बाद पूर्णिमा को घर पर देखने लोग आ रहे हैं। ये अचानक ऐसी बातें क्यों? कौन है वो लड़का? तंजावुर में पेरुमल नाम का एक आदमी है, मेरे साथ बिजनेस किया है उसने, उसी का लड़का है वो। कल मैंने इस बारे में बात की है उससे। अब ऐसे कोई बिना देखे समझे थोड़ी शादी करता है, उसका खानदान भी अच्छा खानदान है। लड़का सिंगापुर में काम करता है, 6 महीने की छुट्टी पर घर आ रहा है। अच्छा मुहूर्त देखकर इसकी शादी करवा देते हैं। अब ऐसा अच्छा लड़का और इतना बढ़िया घर बार बार थोड़ी मिलेगा। अरे अगर वो नहीं मिलेगा तो दूसरा लड़का देख लेंगे, अभी ये पढ़ाई कर रही है, इस वक्त शादी करना ठीक नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है साले साहब, घर परिवार बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो, कुछ तो बोलो। अगर अच्छी जगह से रिश्ता आता है तो हम क्यों मना करेंगे? क्यों बेटी, तू कुछ कहना चाहती है? ठीक है पापा। अब मंगनी करवाने के बाद ही लड़की कॉलेज जाएगी। ठीक है।
अरे गुंगे, अरे मैं मदन हूँ, मदन, मदन हूँ यार। मुझे पूर्णिमा को देखना है यार। क्या बात है, अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, तू जाकर सोचा। मदन मुझे जरूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है, तू फिक्र मत कर। मदन आया है क्या? भाई को पता नहीं चलना चाहिए, चोरी करने आया था ऐसा बोल के पुलिस में दे देंगे। मारिया मत सर, सर बहुत दर्द हो रहा है। नहीं सर मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया सर। सुनिए सर, चल नहीं सर, सच बता क्या हुआ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। चोर क्यों हुआ सर, हमारे इस शहर में चोरी का धंधा, क्या पता तूने क्या किया बेटा। नहीं सर, चोर मैंने कुछ नहीं किया। ए कौन है तू, ए इसे बाहर निकल जाओ सर। चोरी करता है, करता है, पीछे हटो सर, मुझे सर चलो पीछे, चलो पीछे। मैं आपके पैर पकड़ी हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मत मारिए, मत मारिए मेरे बेटे को, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसी को जो गया तो मैं मर जाऊंगी साहब, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, कुछ नहीं किया इसने साहब। इसने चोरी नहीं की है सर, उस घर की लड़की से प्यार करता है। क्या? उस लड़की को देखने के लिए गया था, इसे छोड़ दीजिए सर। हे भगवान, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया मेरे बच्चे, क्या कर दिया। चल हे भगवान, इन्हें बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, चलो 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 उठो, चलो 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 यहाँ से, चलो उठो, निकलो, अरे चलो भाई, चलो चलो चलो, हाँ चलो, संभालो इसे, अरे जल्दी आओ यार, चलो। ए, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के घर में घुसना ये गलत है। अभी दुख किसे हो रहा है, जन्म देने वाली को ना, इनका ध्यान रखना, दोबारा ऐसा मत करना, चलो जाओ। ए, लड़की अकेली है, उसका ख्याल रखना, हम तंजावुर जाके आते हैं, चलो आओ।
क्या हुआ? क्या क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा, मुझे मदन चाहिए। मैं हूँ ना। अरे तुझे मदन मिलेगा, मैं तुम दोनों को मिलाऊंगा। देख तू चिंता मत कर। खाना खाई? नहीं खाई क्या? ए, इसके लिए खाना लेकर आ। आजा। पापा के बारे में सोचकर ही डर लगता है मामा, मदन को अगर कुछ हो गया तो। पापा से मैं बात करूंगा, तू बिल्कुल मत डर, ले खाना खा। और जानती है, मदन पुलिस स्टेशन से घर आ गया है, मैं और ये जाकर देखते हैं कि इस वक्त उसकी हालत कैसी है। ले खा ले। कौन है वो लड़की? पूर्णिमा मां। पूर्णिमा तुझे पसंद है बेटा? देखिए अब तो बहुत हो गया ना, इसके आगे कुछ मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज मान जाइए। अबे उसके सामने हाथ क्यों जोड़ रहा है तू? इसकी वजह से मदन को कितनी मार पड़ी पता है तुझे? मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मदन का हालचाल जानने आया हूँ। जिंदा है अभी वो, जाके अच्छे से देख लीजिए। नमस्ते माँ जी। मुझे कुछ नहीं हुआ रे। जो नहीं होना था वो सब हो गया, तुम दिल में कुछ मत रखना। मैंने ऐसा क्या कर दिया? पूर्णिमा को देखने के लिए गया था ना, क्या गलत किया? उसके लिए आप लोगों ने मुझे पुलिस में अटका कर मेरी माँ को भी जलील होने पर मजबूर कर दिया। अरे मैं समझता हूँ भाई, लेकिन बात यह है कि वो मेरा जीजा जो है ना, वो पुराने ख्यालों का है, ऊंच नीच के बारे में सोचता है, उससे बात करके कोई फायदा नहीं। हर बाप अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूर्णिमा की शादी उसकी मर्जी से हो, और किसी भी तरह अपने जीजा को मनवा कर मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलता हूँ माँ जी। मदन को देखा क्या? कैसा है वो? अभी चलना है? नहीं नहीं, पापा को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा ना पापा नाराज हो गए, तो जिद क्यों कर रहा है? पापा को पता चला। कहाँ चली गई वो? बोल, बता मुझे।
बोल, बता, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्यार से पाला था। जल्दी बोल, बता, कहाँ गई वो? बता, बोल। अरे मालिक! अगर तुम खुद भी कहोगे ना तब भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों आए हैं मामा? क्योंकि तुझसे कुछ बात करनी है। मदन मेरे लिए वहां वेट कर रहा है। चलिए ना मामा, प्लीज चलिए ना प्लीज। तेरे बाप की बातें मेरे कानों में सुनाई दे रही हैं। मेरे दिल में आग लगी हुई है। उसके दिए दर्द को उसे ही वापस कर दूं तो? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मदन मेरा वेट कर रहा है मामा, मुझे जाने दीजिए ना। रो क्यों रही है मदन? उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम तो तेरे बाप से। कर उसे बता देता हूं। मैं जाकर उन्हें बता देता हूं।